Hello friends, welcome to the Prithvi series. Today we are going to discuss the convention related to desertification. In our previous videos, we have discussed the conventions related to climate change and biodiversity. So, aaj hum discuss karenge desertification se related convention ki. Okay, let's start. Before we know about the convention, we should know about what is basically the desertification. ठीक है, desertification is not just about the spreading of desert. It is a type of land degradation in which a relatively dry land region becomes increasingly arid, typically losing its water bodies as well as vegetation and wildlife. Okay, if अगर यहाँ पे कोई dry land area है and this dry land area contains three characteristics. One is the loss of vegetation. Second, loss of wildlife and also the loss of water bodies. If these characteristics are seen in any dryland areas, so this can be concluded that the area is prone to desertification. If these three characteristics are present, ठीक है, loss of water bodies कब होगा, जब evaporation ज़्यादा होगा और precipitation कम होगा, ठीक है, तो ये desertification के लिए prone areas होंगे, ठीक है. It is majorly caused by various factors such as climate change and human activities. Climate change, let's say global warming, and human activities include जैसे कि deforestation, overgrazing, or intensive agriculture in any unsustainable manner. This can lead to the area to desertification. ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है. अब ड्राईलैंड ऑक्यूपाई 40 to 41% ऑफ अर्थ लैंड एरिया एंड आर होम टू मोर देन 2 बिलियन पीपल. तो देख, हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी हो सकती है इन लोगों के लिए, राइट. बट द कैच हियर इज दिस कि एटलीस्ट 90% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ड्राईलैंड लिव इन डेवलपिंग नेशंस. यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेवलपिंग नेशंस में 90% लोग रह रहे हैं ऑफ ड्राई लैंड्स, जहाँ पे ड्राई लैंड्स हैं. सो दे ऑल्सो सफर फ्रॉम पुअर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस. तो उनके लिए सिचुएशंस और वर्स हो जाएंगी, राइट. चलो अभी हम देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या है डेजर्टिफिकेशन की. इफ वी सी द मैप ऑफ वर्ल्ड, देन जो रेड में मार्क किए हुए एरियाज हैं, दीज आर दी हाईली वल्नरेबल रीजन रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन. इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, द पेनिनसुलर प्लेटू, द पेनिनसुलर प्लेटू, दिस इज द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया विच इज प्रोन टू डेजर्टिफिकेशन, ठीक है. और सम अदर एरियाज इफ वी इंक्लूड, देन राजस्थान, गुजरात, सम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, ईरान, इराक, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर अंडर थ्रेट टू डेजर्टिफिकेशन, आर वेरी प्रोन टू डेजर्टिफिकेशन. एंड सम एरियाज इफ वी सी हेयर, द एरिया एडजॉइनिंग द सहारा डेजर्ट इज ऑल्सो अंडर द थ्रेट ऑफ डेजर्टिफिकेशन. सो ऑस्ट्रेलिया में भी हम देख सकते हैं. सो ये पूरा का पूरा वल्नरेबिलिटी दिखाता है कि डेजर्टिफिकेशन किस तरह से फैल रहा है. ओके, नाउ कम टू द मेजर कन्वेंशन रिलेटेड टू द डेजर्टिफिकेशन. और हमें पता है कि ये सारे के सारे जितने भी कन्वेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका रिजल्ट कहाँ से आया, द अर्थ समिट, ठीक है. द रिजल्टेड अर्थ समिट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. वन इज रियो डिक्लेरेशन, सेकेंड इज एजेंडा 21, थर्ड इज फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एंड थ्री मेजर कन्वेंशंस, थ्री मेजर एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ये जो ऊपर वाले दोनों कन्वेंशंस हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे डेजर्टिफिकेशन वाला, ठीक है. और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज द फर्स्ट एंड सोल इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेटअप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है. ओनली एक ही ऐसा कन्वेंशन है जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, राइट. ऑब्जेक्टिव देखें तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन, ओके. अगर इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जर्मनी बॉन में है और
इसका टाइमलाइन देखें तो रियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1992 रिजल्टेड इन थ्री डॉक्यूमेंट्स. वन ऑफ देम वाज एजेंडा 21 विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूएनसीसीडी स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ एजेंडा 21. ओके, एजेंडा 21 के डायरेक्ट रिकमेंडेशन से यूएनसीसीडी का कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया गया. 1994 में यूएनसीसीडी वाज फाइनली अडॉप्टेड इन पेरिस एंड दैट्स व्हाई जून 17 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, 1996 में इसे रेटिफाई किया गया और इसमें 196 पार्टीज हैं, मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल है, तो मेकिंग इट ट्रूली ग्लोबल इन रीच. इसकी रीच क्या है? ग्लोबल है, राइट. अब ये कन्वेंशन है क्या? इट इज द ओनली सोल लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट थ्रू नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स. ये नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स क्या होंगे? जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम को. ठीक है, जैसे इंडिया है तो इंडिया अपने एक्शन प्रोग्राम्स चलाएगी. इसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर्स को जो जो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको ख़त्म करने के लिए मेजर्स लेंगे, प्रैक्टिकल मेजर्स लेंगे टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. बेसिकली हर कंट्री अपने प्रोग्राम्स प्लान्स बनाएगी और आइडेंटिफाई करेगी कि डेजर्टिफिकेशन होने के कारण क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है और क्या क्या मेजर्स उसके लिए लिए जाएंगे. ठीक है, ये हर कंट्री अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कहेगी और इन्हें बोला गया नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स, राइट. अब द कन्वेंशन एड्रेसेस स्पेसिफिकली द एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज नोन एज द ड्राई लैंड्स. ठीक है, जिसकी हमने पहले ही बात की, वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम्स एंड पीपल कैन बी फाउंड. इन्हें स्पेसिफिकली ये एड्रेस करता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजर बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज पर्टिकुलरली कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच का मतलब जो सबसे नीचे लेवल पे जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं, लोकल पीपल हैं, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें एनकरेज करते 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 ऊपर तक गवर्नमेंट तक ही पॉलिसी जानी चाहिए और ये जो सब काम होगा इसे हमने बोला बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, 196 पार्टी मेकिंग इट ट्रूली ग्लोबल इन रीच, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड. और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अगर COP की बात करें ओवरसीज, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सारे मिलते हैं और ओवरसी करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन को. ठीक है, अब ये COPs जो हैं ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती हैं. कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंड इट कंप्राइजेस ऑल रेटिफाइंग गवर्नमेंट्स. ठीक है, कोई भी कन्वेंशन होगा उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आई, कोई डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, उसका डिसीजन हो गया, उसके बाद हर गवर्नमेंट ने उसको क्या कर देना है, रेटिफाई कर देना है. ठीक है, पहले जनरली ये एनुअल बेसिस पे मीटिंग होती थी बट आफ्टर 2001 इसमें क्या हुआ, 2 साल बाद एक बार मीटिंग होती है, राइट. चलो, अब इसे सपोर्ट करने के लिए द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हैज एस्टेब्लिश्ड अ कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एक सब्सिडरी यूनिट है, एक सब्सिडरी बॉडी है COP की. एंड ये काम क्या करती है? बेसिकली इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एक्सपर्ट्स होंगे किसमें, इस डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने में के फील्ड में, ठीक है, उनको एक्सपर्ट्स को क्या किया जाएगा, सबको मिला के एक बॉडी बनाई गई जिन्हें बोलेंगे हम कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, अभी करेंगे क्या, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन एरियाज में रिसर्च को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और अपने वेज रेकमेंड करेंगे और ताकि क्या हो सके, सबके बीच में जो भी रिसर्चर्स हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन को विद अमंग दी कंट्रीज ताकि डेजर्टिफिकेशन और उसके इम्पैक्ट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके. दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट. ओके, थैंक यू सो मच.